आज एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है पीसी वॉइस। है ना, देखिए पीसी वॉइस होते क्या है मेनली अपने आप में। आप लोगों को मैंने टेंसेस सबको सिखा दिए, और टेंसेस में आपने देखा था what you have seen that the sentence start from subject, but in PC voice the sentence will not start from subject, it will start from object. So first we need to clear what is subject and what is object, because until and unless we understand what is subject and what is object, we cannot clarify what is PC voice all about. So here I'm writing few sentences that will help you to understand what subject is. Now, in this all four sentences, you can see A, B, C, and D. You can see the visible subject over here. I, she, they, and again we have she. है ना? तो ये चारों आपके subjects हैं, and objects are English, me, hockey, and plants. These all are objects. These all are subjects. So in active voice, actually, the sentence starts from subject. Okay, at the same time in PC voice the sentence actually start from object. So when you are going to change this sentence into PC voice, then you would say English is spoken by me. Okay, even you can remove this by me over here, aur itna bhi aap bol sakte hain, English is spoken. So here you are giving first priority to object. यहां पर पहली प्रायोरिटी किसको मिल रही है? सब्जेक्ट को मिल रही है एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में पहली प्रायोरिटी हम ऑब्जेक्ट को देते हैं. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स. सो इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है. ऐसे ही शी हेल्प्स मी, वो मेरी हेल्प करती है, तो इसका पैसिव बनेगा आई एम हेल्प्ड का मतलब होता है मेरी मदद की जाती है. यहां पर ये जो आई आपको सब्जेक्ट की तरह दे रहा है, वो एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है. आई हेल्प मतलब होता है मैं मदद करता हूं, लेकिन आई एम हेल्प्ड मतलब होता है मेरी मदद की जाती है बाय. किसके द्वारा मदद की जाती है? शी के द्वारा. तो बाय जो है लास्ट में जाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो बाय हर आपको लिखना होगा. ऐसे ही आई स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, या आई का मी हो गया. ऐसे ही दे प्ले हॉकी, इसका पीसी बनाओगे तो बनता है हॉकी इज प्लेड, हॉकी को खेला जाता है. किसके द्वारा खेला जाता है? बाय दे, तो दे का हो जाएगा देम. और इसी तरीके से शी मेक्स प्लांस, तो इसका बनेगा प्लांस आर मेड. Now you can see plants are made. कौन बना रहा plants? She बना रही है, तो by her. So by understanding active voice and passive voice, one thing that came in our mind, one thing that comes in our mind is that the sentence that starts from subject, you know, is active voice, and the sentence where there is no value for subject and where subject becomes inactive, that particular sentence is called passive voice, because the meaning of the passive is something which is not active, which is inactive. So passive voice mein aapka jo subject hota hai wo aapka inactive ho jata hai, passive ho jata hai, isiliye ise hum passive voice kehte hain. Aur active voice mein aapka subject jo hai wo active rehta hai, matlab bina subject ke sentence banega hi nahi. Aur passive voice mein pehli priority object ko di jati hai. Aapke paas kya hona zaruri hai? ऑब्जेक्ट होना जरूरी है. बिना ऑब्जेक्ट के आपका सेंटेंस नहीं बनेगा, और ये आपको समझना होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. मैंने अभी आपको जो बताया वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बीच में डिफरेंस बताया, अब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं. ओके, पहले सरल तरीके समझेंगे, बहुत ही सरल तरीके. मैं आपको बिल्कुल भी टफ की ओर नहीं लेकर जाऊंगा. नाउ दिस इज सिंपल, दिस इज कॉन्टिन्यूस, okay, and this is the perfect. सबसे पहली सिचुएशन, वी ऑल नो 12 टेंसेस, बट हियर आई हैव रिटन ओनली 9, बिकॉज वी डू नॉट मेक द सेंटेंस, वी डू नॉट मेक द पीसी वॉइस ऑफ द लास्ट 3 टेंसेस, द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसलिए उसको मैंने नहीं लिखा. एक्टिव और दूसरा क्या है? पीसी. देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीसी वॉइस की. तो पैसिव वॉइस का एक सिंपल सा फंडा है. व्हाट द फंडा ऑफ द पैसिव वॉइस? दैट
वी हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट. जब भी कोई काम किया जाता है, जब भी कोई काम किया जाता है, जब भी कोई काम किया गया, जब भी कोई काम किया जाएगा, जब भी कोई काम किया जा रहा है, जब भी कोई काम किया जा रहा था और जब भी कोई काम किया गया है, ठीक है. तो किया, ये जो तीन सिचुएशन है ये सिंपल की है, ये दो सिचुएशन जो है ये कॉन्टिन्यूस की है. इसके बाद ये जो सिचुएशन में लिख रहा हूं यहां पर, किया गया है, किया गया था और किया गया होगा, ये आपकी परफेक्ट की है हिंदी में, है ना. इसी तरीके से जब कोई काम किया जा सकता है, जब कोई काम किया जा सकता था, जब कोई काम किया जा सकेगा, जब कोई काम किया जाना चाहिए, ये देखो, किया जाना ही चाहिए, किया जाना चाहिए, किया जाना है, किया जाना था, किया जाना होगा. यूज टू नीड टू अडेयर टू में किया जाया करता था, किए जाने की जरूरत है और किए जाने की हिम्मत है. तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना वो ये है, ये आपके टेंसेस और ये आपके मोडल वर्ब्स, ठीक है. तो ये इस तरीके से आपके यहां पर होते हैं. ओके, अब यहां पर आप अटेंशन देंगे पूरा 100% क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है. देखो ज्यादा लोड मत लेना, जिनको हिंदी पढ़ते नहीं आती, टीचर मतलब मैं बोल रहा हूं समझा रहा हूं वो आ जाएगा सब, कोई बड़ी डील नहीं. अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम पीसी वॉइस में ये जो कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है ना वो सिंपल के साथ लगा देनी है. और बाप रे ऐसा होता है क्या, जी हाँ, ये इजेमार वॉजवर और ये विल बी. इजेमार लग जाएगा प्रेजेंट सिंपल में, वॉजवर लग जाएगा सिंपल पास्ट में, विल, ये देखो ये विल जो है इसका हो जाएगा विल बी. और अब इन तीनों के बाद लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखना. पेसिव वॉइस में हमेशा V3 लगता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद में ये जो सब्जेक्ट है ना इसको लास्ट में रखना है बाय प्लस सब्जेक्ट लगाकर, बाय प्लस सब्जेक्ट लगाकर, बाय प्लस सब्जेक्ट लगाकर. तो अब आप दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर फिनिश हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट से फिनिश हो रहा है और सब्जेक्ट पर, ये ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और सब्जेक्ट पर फिनिश हो रहा है, उल्टा चल रहा है. मतलब इन द पेसिव वॉइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड एंड्स ओवर सब्जेक्ट. लेकिन एक्टिव वॉइस में स्टार्टिंग हो रही है सब्जेक्ट से, सेंटेंस ओवर हो रहा है ऑब्जेक्ट पर, है ना. ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो आई थिंक आप सबको पता होना चाहिए. मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, मेरे द्वारा इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी. I repeat, English is spoken by me. ऐसे मैंने कहा I spoke English, English was spoken by me. ऐसे मैंने कहा I will speak English, English will be spoken by me. Okay? तो मेरे द्वारा English बोली जाती है, जो भी काम किया जाता है, जो भी काम किया गया और जो भी काम किया जाएगा, ये तीनों सिचुएशंस अपने दिमाग में याद रखना. चलो आओ एक्टिव से पेसिव चेंज करते हैं, आ जाओ पहले चेंज करते हैं, फिर हिंदी में सीखेंगे, फिर स्पोकन में भी सीखेंगे अपन. पूरा अटेंशन देना है सारे स्टूडेंट्स को, एक बार अच्छे सीखना है, बिकॉज वी आर लर्निंग वेरी इजी थिंग. मैंने कहा आई टीच यू, बताइए क्या कहा मैंने, आई टीच यू,
या फिर एक काम करते हैं, आई टीच हिम करता हूं, मैं उसे पढ़ाता हूं, तो ये हिम उठकर आगे आएगा, ही इज टॉट बाय मी। ध्यान दीजिएगा सभी, आई टीच हिम, ही इज टॉट बाय मी, मैं उसे पढ़ाता हूं, उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। मतलब जब भी इस टॉट आ गया तो इस टॉट पढ़ाया जाता है। अगर मैंने कहा ही वॉज टॉट तो हो जाएगा उसे पढ़ाया गया, मैंने बोला ही विल बी टॉट तो इसका मतलब होगा उसे पढ़ाया जाएगा। मैंने कहा ही इज बींग टॉट, ही इज बींग टॉट मतलब उसे पढ़ाया जा रहा है। मैंने कहा ही वॉज बींग टॉट, बताइए ही वॉज बींग टॉट उसे पढ़ाया जा रहा था। मैंने कहा ही हैज बीन टॉट उसे पढ़ाया गया है या पढ़ाया जा चुका है। ही हैड बीन टॉट तो हो जाएगा उसे पढ़ाया जा चुका था, और ही विल हैव बीन टॉट उसे पढ़ाया जा चुका होगा। तो आप देख सकते हैं ये तीन सिचुएशन, ये तीन सिचुएशन, ये दो सिचुएशन और ये तीन सिचुएशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका चलता है। तो आई टीच हिम, ही स्टार्ट बाय मी, ऐसे आपने कहा आई टॉट हिम, ही वॉज टॉट बाय मी, और ऐसे ही आई विल टीच हिम, बताइए क्या होगा, ही विल बी टॉट बाय मी, ऐसे ही आई एम टीचिंग हिम, ही इज बींग टॉट बाय मी, आई वॉज टीचिंग हिम, ही वॉज बींग टॉट बाय मी, इसका तो बनता नहीं। आई हैव टॉट हिम, ही हैज बीन टॉट बाय मी, आई हैड टॉट हिम, ही हैड बीन टॉट बाय मी, एंड आई विल हैव टॉट हिम। सो ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। बेसिकली आपको करना क्या वो समझ लो आप। अब मैं आपको एक बार शुरू से पढ़ा रहा हूं, मैंने एक बार जो जो पढ़ाना था वो लिखकर पढ़ा दिया, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली पढ़ाता हूं। जब आप किसी काम को करते हैं तो वो आपका एक्टिव वॉइस है। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, इसका इंग्लिश होगा आई स्पीक इंग्लिश। मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है तो अंग्रेजी एक भाषा है, वो सबसे पहले शुरू में आएगी। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, आई हेल्प यू, तुम्हारी मदद मेरे द्वारा की जाती है। यू आर हेल्प्ड बाय मी, आई रिपीट, यू आर हेल्प्ड बाय मी। इसके बाद नेक्स्ट है, मैंने तुम्हारी मदद की, आई हेल्प्ड यू, आई हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारे मेरे द्वारा तुम्हारी मदद की गई। तो यू वर, यू के साथ वर लगाना, ये जो इज एम आर है ये डिपेंड ऑब्जेक्ट पर करेगा। ये देखो, इधर देखना सर, मैंने लिखा शी ईट्स मैंगो, और दूसरे मैंने लिखा शी ईट्स मैंगोज। दोनों सेंटेंस का जब आप पीसीयू बनाओगे ना तो भाई अलग अलग बनेगा। इसमें मैंगो आगे आएगा, मैंगो इज ईटन बाय हर, लेकिन इसमें मैंगोज आगे आएगा, मैंगोज आर ईटन बाय हर। तो देखो यहां इज लगा है, यहां आर लगा है। अब बोलो सर एम भी तो कहीं लगाना है, तो एम वहां लगेगा। मैंने कहा शी टीचेस मी, वह मुझे पढ़ाती है, तो इसमें ये जो मी है ये उठकर आगे आएगा, तो इसका होगा आई, आई के साथ क्या लगेगा एम, टीच के थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है टॉट, आई एम टॉट बाय शी का क्या हो जाएगा हर। तो अब आप देख सकते हैं ये रहा इज, ये रहा आर और ये रहा आपका एम। तो इज लगा है मैंगो के साथ, आर लगा है मैंगोज के साथ, और एम लगा है आई के साथ। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट है आपके, ये तीनों क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट
ये भी ऑब्जेक्ट और यहां पर आई जो है ये भी ऑब्जेक्ट, ये मी का आगे आके आई हो गया। सो बेसिकली अपने आप में एक चीज आपको खुद समझ लेनी है कि पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को आगे लगाकर वही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो उस ऑब्जेक्ट के साथ लगती है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, वी डोंट केयर। इन द पेसिव वॉइस व्हाट सब्जेक्ट यू आर यूजिंग वी डू नॉट केयर, व्हाट वी केयर फॉर ओनली ऑब्जेक्ट, कि भाई ऑब्जेक्ट क्या लगा रहा है ना। चलो अब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं था। तो हमने डिफरेंस को समझा, क्या डिफरेंस है कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, पेसिव वॉइस में सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, V3, कोई सा भी टेंस हो, सिंपल हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो, मोडल वर्ब हो, कुछ भी हो, पेसिव वॉइस है मतलब V3 लगाना है। दूसरा नियम, प्रेजेंट सिंपल में इजमार, पास्ट सिंपल में वॉज वेयर, फ्यूचर सिंपल में विल बी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर बीइंग। जी हां भाई, ये थोड़ा ध्यान देने वाला विषय है। इज एम आर लगाकर आपको बिंग लगाना है, BEING, बिंग। पास्ट में आपको वॉज वर लगाना है और वॉज वर लगाकर आपको बिंग लगाना है, BEING, बिंग। फ्यूचर तो आपका बनता नहीं है तो इसको छोड़ दो। ऐसे ही आपको प्रेजेंट परफेक्ट में जहां हैज एव लिखा है यहां पर अगेन हैज एव लगाकर उसके साथ में बीन लगाना है, ये थोड़ा ध्यान देना। यहां पर BEING, बिंग है, यहां पर BEEN, बीन है, दोनों में अंतर है। ऐसे ही पास्ट में आपको हैड बीन लगाना है और फ्यूचर में आपको विल हैव बीन लगाना है। इसके बाद यहां पर भी V3, यहां पर भी V3, यहां पर भी V3, यहां भी V3 और यहां भी V3। आइए हम सेंटेंसेस को बनाते हैं और चीजों को समझते हैं। आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश स्टार्ट बाय मी, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। दूसरा सेंटेंस, आई टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, English was taught by me, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई गई। तीसरा, I will teach English, मैं English पढ़ाऊंगा, English will be taught by me, मेरे द्वारा English पढ़ाई जाएगी। Next, I am teaching English, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। जब भी कोई काम आपके द्वारा किया जा रहा है तो आप कहेंगे English is being taught by me। आपको बोलना होगा स्टूडेंट्स, इंग्लिश एक भाषा है इसलिए इसके साथ इज लगेगा। इंग्लिश इज बिंग, पढ़ाई जा रही है, कोई काम किया जा रहा है। मैंने कहा रवि को पढ़ाया जा रहा है तो रवि इज बिंग टॉट, इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश इज बिंग टॉट। सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं, सेंटेंसेस आर बिंग मेड, नई सड़कें बनाई जा रही है, न्यू रोड्स आर बिंग कंस्ट्रक्टेड, इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश इज बिंग स्पोकन। कौन बोल रहा है, वी डोंट केयर, लेकिन किसे बोल रहे हैं, इंग्लिश को, तो इंग्लिश आ गया, इंग्लिश को बोला जा रहा तो हम कहेंगे इंग्लिश इज बिंग स्पोकन। इंग्लिश को बोला जा रहा था, इंग्लिश वॉज बिंग स्पोकन। इंग्लिश को बोला गया है, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन। इंग्लिश को बोला गया था, इंग्लिश हैड बीन स्पोकन। इंग्लिश को बोला गया होगा, इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन। सो दिस इज एक्चुअली द एक्टिव वॉइस एंड दिस इज पैसिव वॉइस। अभी 12 मोडल्स बचे हुए हैं, उनके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहा, पहले टेंस सीखो उसके बाद हम उधर मोडल वर्ब्स पर जाएंगे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का हम पैसिव नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में ऑलरेडी देखो यहां पर क्या लिखा है, विल बी लिखा है। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो वो बनेगा विल बी, और विल बी के बाद में आपको लिखना होगा बिंग, जो कि पॉसिबल नहीं है, है ना, इसलिए हमको नहीं लगाना है। तो ये थोड़ा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये जो बी वर्ब है आप कॉन्टिन्यूस टेंस में बी वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हो, तो ये देखो बी के साथ जब आप आईएनजी लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, बी प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, बिंग। ठीक है, बी प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, बिंग। लेकिन ये जो बीन है ये थर्ड फॉर्म है बी की, बी वॉज वर बीन, ये यहां पर V3 है और यहां पर ये आईएनजी फॉर्म है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी लगाते ही हैं, इसीलिए हम उस नियम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बिना आईएनजी के कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस एग्जिस्ट करता ही नहीं है। फिर यहां बीन क्यों लगाया, तो बोले यहां इसलिए बीन लगाया क्योंकि परफेक्ट टेंस में भी हमको V3 लगाना ही पड़ता है, इसलिए हमने हैज एव के बाद में V3 लगाया, फिर अगेन दूसरा V3 यूज किया। तो V3 कौन सा लगाया हमने, बी का V3, V मतलब होता है होना,
इसको हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब लिया और उसको लगाया। इधर देखो, जिन लोगों को नहीं पता, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म, ऐसे वर्ब की चार से पांच फॉर्म बनती है। तो आपका जो बी वर्ब है वो ऐसे चलता है, बी सेकंड फॉर्म होती है वॉज एंड वर बी की, थर्ड फॉर्म बी की होती है बीन, और एक फॉर्म जिसमें आईएनजी लगता है दैट इज बीन, है ना, और ये वाली फॉर्म इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये रही आपकी बी, ये रहे आपका वॉज वर, ये रहा आपका बीन और ये रहा आपका बीन। तो आपको याद रखना है ये बीन कहां यूज करना है, परफेक्ट में, कहां यूज करना है परफेक्ट में, बीन कहां यूज करना है तो बोले कॉन्टिन्यूस में, ठीक है भैया। तो ऐसे चलेगा आपका। आ जाओ, हमने लिखा कोई काम किया जाता है, तो जो भी काम किया जाता है उसके लिए इज एम आर बी थ्री, जो भी काम किया गया उसके लिए बताओ वॉज वर बी थ्री, जो भी काम किया जाएगा उसके लिए बताओ विल बी वी थ्री, जो भी काम किया जा रहा है उसके लिए बताओ इज एम आर बिंग वी थ्री, जो भी काम किया जा रहा था उसके लिए बताओ जो भी काम किया गया है उसके लिए बताओ Has you been V3? जो भी काम किया गया था उसके लिए बताओ Had been V3? और जो भी काम किया गया होगा उसके लिए बताओ Will have been V3? तो इस तरीके से Has you been V3, Had been V3 और Will have been V3, ये आपके परफेक्ट के बने। ऐसे ही आपका Is am are being V3, Was were being 3, ये आपका कॉन्टिन्यूस का बना, और ऐसे ही आपका Is am are V3, Was were V3 और Will be V3, ये आपका सिंपल का बना। तो सिंपल, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट, तीन अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन के साथ में आप इसको यूज करते हो, तीन अलग अलग सिचुएशन के साथ में हम आपको यूज करते हैं। एक और याद रखें, ये बहुत सारे लोगों को ये चेंजेस के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये देखो, ये आपका जो सब्जेक्ट है ना वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाता है, तो जब आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाता है तो याद रखना आई का आपको मी लगाना है, ही का आपको हिम लगाना है, शी का आपको हर लगाना है, दे का आपको देम लगाना है, वी का आपको अस लगाना है, बस। बाकी जितने भी सब्जेक्ट आप बचे, जैसे मान लो आपने कहा यू, तो यू का यू ही होगा, आपने कोई नाम कहा जैसे राम श्याम तो राम श्याम का वही होगा राम श्याम। चेंज किस किस के हो रहे हैं, आई का मी, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, और यही कॉन्सेप्ट। अगर मान लो ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट में मी का क्या कर दोगे आप, आई कर दोगे, हिम का ही, शी का हर, देम का दे, अस का वी, और अगर आई आ गया तो आई का क्या हो जाएगा, मी। तो इधर से उधर, उधर से इधर, ये होते रहते हैं। देखो कैसे, शी हेल्प्स मी, और दूसरा क्या है, आई हेल्प हर। अब ध्यान दो इधर, दोनों के जब पीसी वॉइस बनाओगे ना तो कैसे बनेंगे, मी जो है वो उठकर आगे आएगा, तो आई, आई के साथ क्या लगेगा, एम, एम क्यों लगाया कोई बताएगा, कोई बताएगा एम क्यों लगाया, शी हेल्प्स मी में हमने, शी हेल्प्स मी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का पीसी वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसीलिए हमने मी को जब आगे लिया तो आई लिखा, आई के साथ हमने एम लगाया, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प लिखी, बाय लगाया, आप सब्जेक्ट लगाएंगे तो सब्जेक्ट शी का क्या होगा, शी का होगा हर, तो वो यहां लिख देंगे, ये लिख दिया, ठीक है। तो शी हेल्प्स मी, आई एम हेल्प्ड बाय हर, इसके प्रैक्टिकल सेंटेंसेस की मैंने बोला, बताओ हमारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, बताइए इसका क्या बनेगा, हमारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस सबसे आगे आएगा। अब बनाए जाते हैं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, तो सेंटेंसेस आर मेड बाय अस, हमारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए गए, ऐसा पूरा 12 पूरे जितने भी टेंस मैं बना लो, सेंटेंसेस वर मेड बाय अस,
हमारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, बोलो क्या बोलोगे, सेंटेंसेस विल बी मेड बाय अस, ये हो गया आपके तीन, ऐसे ही बोलो हमारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं, क्या बोलेंगे बोलो। अब सेंटेंसेस आर बीइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, सेंटेंसेस आर बीइंग मेड बाय अस, सेंटेंसेस हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं, सेंटेंसेस आर बीइंग मेड बाय अस, पास्ट में क्या बनाओगे बोलो, सेंटेंसेस वर बीइंग मेड बाय अस, हमारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा रहे थे, डायरेक्ट इस पर जाना, ये हो गया आपका सिंपल, ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूस, ये हो गया आपका परफेक्ट, सेंटेंसेस हैव बीन मेड बाय अस, पास्ट में सेंटेंसेस हैड बीन मेड बाय अस, फ्यूचर में सेंटेंसेस विल हैव बीन मेड बाय अस। ठीक है, मैंने कहा सेंटेंसेस आर मेड बाय अस, हमारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस वर मेड बाय अस, हमारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए गए, सेंटेंसेस विल बी मेड बाय अस, हमारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, सेंटेंसेस आर बीइंग मेड बाय अस, हमारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं, सेंटेंसेस वर बीइंग मेड बाय अस, हमारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा रहे थे, वैसा बोल लो फटाफट, सेंटेंसेस हैव बीन मेड बाय अस, हमारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा चुके हैं, सेंटेंसेस हैड बीन मेड बाय अस, हमारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा चुके थे, और सेंटेंसेस विल हैव बीन मेड बाय अस, हमारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा चुके होंगे।